वक्फबोर्ड के अंदर कौन तो भी लेना तो दूर की बात, वक्फबोर्ड के अंदर एक पैसा खाने का सोचा तो उसके बच्चों को कीड़े पड़ को मरती करो ऑफिसर रंग बोल को सोच लेना तो दूर की बात जी, लेना तो दूर की बात। अगर कौन तो भी लालच कर दलिया ये वक्फबोर्ड के अंदर मैं करया तो इतने करोड़ों रह जाती, मेरी खानदान की भलाई होती, मेरे बच्चों का फायदा होता, उसने तो अल्लाह की कसम उसका नहीं होता, उसके बच्चे कीड़े पड़ को मिलती तो वहां तो तड़ा अशर के मैदान में तो इतनी बुरी हालत होती उसकी उन्हें सोच भी नहीं सकता। ये दुनिया टेम्पररी जी है। इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल एम्पावरिंग ब्राइट फ्यूचर एडमिशन आर ओपन मदीना इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल विद हिफ्ज़ुल कुरान एडमिशन आर ओपन। इस तरह की सब मीटिंग रख लो, उनको एक डेडलाइन दे रूम में। डेडलाइन क्या डेडलाइन है? ये ले को तुम्हें ये 15 दिन के अंदर ये हमना खाते जो भी खाते बना को देना, खाते बना को देना, जो एनक्रोचमेंट है एनक्रोचमेंट खाली करको देना करको बोल को उनको डेडलाइन देखो, वो काम हमें इंशाल्लाह कराते तो तुम्हारे से भी मुतलियन से मेरी आजीजाना गुजारिश मेहरबानी करको। लालच तो सबको रहती है, अल्लाह के वास्ते ये वफ की प्रॉपर्टी जो है ये अल्लाह की आस्ती है, हमें लेना तो दूर की बात। मुझे बोले कौन की साहब वफ में जैसा मैं मिनिस्टर बनया पूरे ऑफिसरों को बुलाया एक मीटिंग कराया जेते साल से तो मैं काम करी बा मई मिनिस्टर बनकर अल्लाह मियाँ मंजे मौका बन अल्लाह मियाँ मंजे मौका देखो एक मिनिस्टर बनने का मेरी जवाबदारी बनती है। ये अल्लाह की घर की हिफाजत मंजे देखो है, ये अल्लाह की आस्ती बचाने की प्रॉपर्टी का जिम्मेदारी अल्लाह मंजे दिया। तुम्हें इतने साल से काम कर रही पैसा को हर एक को लालच था तुम्हें गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ वक्फबोर्ड के अंदर कौन तो भी लेना तो दूर की बात, वक्फबोर्ड के अंदर एक पैसा खाने का सोचा तो उसके बच्चों को कीड़े पड़ को मरती करो ऑफिसर रंग बोल को सोच लेना तो दूर की बात जी, लेना तो दूर की बात। अगर कौन तो भी लालच कर दलिया ये वक्फबोर्ड के अंदर मैं करया तो इतने करोड़ों रह जाती, मेरी खानदान की भलाई होती, मेरे बच्चों का फायदा होता, उसने तो अल्लाह की कसम उसका नहीं होता, उसके बच्चे कीड़े पड़ को मिलती तो वहां तो तड़ा अशर के मैदान में तो इतनी बुरी हालत होती उसकी उन्हें सोच भी नहीं सकता। ये दुनिया टेम्पररी जी है, 2 दिन की दुनिया जी। अब मैं इतना बात कर रहा हूँ यहाँ सीढ़ी से नीचे उतर तो नहीं मंजे मालूम नहीं, अल्लाह हमने मौका दिया अल्लाह की घर की आस्ती जी बचो जी उसे अल्लाह के वास्ते बचो, अल्लाह के वास्ते भीख मांग तुम्हें तुम ना एज ए मिनिस्टर बनको तुम ना भीख मांग तुम्हें ये कुछ कारनामा करको दिखो अल्लाह के हशर मैदान में जाको गट को अल्लाह को जवाब देंगे अल्लाह मियाँ तुम्हें मुझे ये जवाबदारी दिए थे ये जवाबदारी में ये फलाना काम करको फलाना ये काम करको तुम्हारी आस्ती में बचा को करको अल्लाह के पास जाको गट से सीधा सीना छोड़ को सीना चौड़ा करको अल्लाह के पास जाको पूछेंगे। हमारी सबकी जवाबदारी होती है सबकी जवाबदारी होती है अल्लाह के वास्ते मेहरबानी से वक्फबोर्ड के अंदर बहुत से जने लालच रख लेंगे नको करो आज के बाद जो करी भूल जो हमारी आस्ती नहीं मेरी नहीं तुम्हारी नहीं अल्लाह की आस्ती जी। आदमी इसके पहले बोलिया वफ क्यों करता उनके रिश्तेदार होते हुए उनके माँ बाप के जोरू की तरफ के रिश्तेदार रहती बाबा की तरफ के रिश्तेदार रहती अम्मा की तरफ के रिश्तेदार रहती वो होते हुए भी वफ की करती हमारी कौम को इसका फायदा पहुंचे देकर को ये नहीं कि हमें खाको बैठ को हमें मजा करें देकर को एक पैसा खाना हराम है जी एक पैसा खाना हराम है वो सोचना हराम है। अल्लाह के वास्ते एक मेहरबानी एज ए मिनिस्टर के नाते अल्लाह हमने अब मौका दिया खिदमत करने मैं कब तक कर तो मालूम नहीं पल भर का मुझे भरोसा नहीं इसके पहले बोलिया किसी भी इंसान को पल भर का भरोसा नहीं पल भर का किसे भरोसा नहीं हमें यहाँ क्या भी नहीं है मैं हर्रे को बोलता हूँ साहब तुम्हें इतना ये करती वो करती क्या भाई मैं यहाँ क्या छोड़ को क्या लेको जाने का है खाली हाथ आया खाली हाथ जाना खाली आता मेरी अरमान एक अंगूठी डाली दो डायमंड की कम से कम 90 लाख रुपए की वैल्यू है डायमंड की अंगूठी है कहती बोलो 90 लाख रुपए नहीं है कब की लिया था सो 40 साल पहले 30-35 लाख को लिया था आज 90 लाख की प्रॉपर्टी ये 90 लाख का डायमंड है मेरे बच्चे को मालूम मेरे भाइयों को मालूम मेरी बीवी को मालूम मेरी अम्मा को मालूम बचपन से ये जमीर को डायमंड डालने की आदत है करको अब मैं खुदा ना करे मरगा तो मेरा बच्चा मेरी अम्मा ए मेरा बच्चे की अरमान भाव से छोड़ कर बोलती है मेरे औलाद ए हमारे बाप की अरमान थी है वो अंगूठी छोड़ दो कर बोलती है अंगूठी नहीं मिला तो क्या करती उसे काट कर निकाल ले क्या करती है एक तरफ भाई लड़ती एक तरफ बेटा लड़ता एक तरफ जोलू लड़ती छोड़ देंगे जी मेरी अरमान घर को छोड़ती मुझे लास्ट में क्या बोलो मट्टी में जाती मूछती वापस आ जाती जवाब कौन देना सशर के मैदान में कौन बेटा नहीं आता कौन भाई नहीं आता कौन दोस्त नहीं आता जोरू नहीं आती अम्मा नहीं आता बाबा नहीं आता हमें खुद हमारा जवाब देना सो ये आखिरत की पूंजी कमाने का तुमने लोगों को एक मौका मिला अल्लाह का वास्ता एक आजीजाना गुजारिश करते हुए आज के बाद वफ की प्रॉपर्टी हमने नको वफ की प्रॉपर्टी में बचाना कैसे इसे फायदा कैसा करको चार गरीबों को ये फायदा पहुंचा करने का हमें सब मिल को काम करना करको एक आजीजाना गुजारिश करते हुए अर्जियां टोकना देखो ही
टोकन आन जैसा टोकन आन देखो ही वन बॉयन कितना भी खोत होंदे मैं बैठता हूँ वो अर्जा लेता हूँ तुम्हारे जितने भी मसले हैं वो मस हाँ और एक अब क्या करे कॉम्पाउंड नंगा इंकरेजमेंट बहुत रहा नसीर अहमद साहब सलीम अहमद साहब जबरदा जबरदा अब क्या करे हमारे में कॉम्पाउंड का साहब पहले में क्या था कॉम्पाउंड का जबरदा सलीम साहब कॉम्पाउंड नाम को क्या करते थे कोसा तो एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट से हमना कोसा भी एक तालुका से वफ का कॉम्पाउंड डालना कर को एक 40 लाख रुपए का प्रपोजल लगा दिया तो 5 से 10 लाख रुपए मिनिस्टर क्या करते उसे ग्रांट देते थे 40 लाख के काम को अब 40 लाख के काम को 10 लाख दिया तो क्या होता तो उन्होंने ईंट की बालू की लक्का को डाल को वो ईदगाह मैदान खत्म नहीं होता था एंटोनमेंट होले को जरा अब हमें पूरा नवे सर्वे करा को साहब अब वो कॉम्पाउंड नाम को बंद कर देने खाली मस्जिद रिनोवेशन को पैसे दे रही कॉम्पाउंड नाम को बंद कर को क्या करें एक मॉडल टाइप कॉम्पाउंड करको हैबिटेट सेंटर करको अपॉइंट कर दे ली उनको अब हमें क्या करें ऐसे मॉडल टाइप खबरस्तान है एक ही मॉडल पूरे एक मॉडल कॉम्पाउंड नाम बना को हरिया कलर का पेंट मालूम होना है हमारी ही घर को क्या बोला हमारी घर को दूर से दिखना है हमारी घर क्या बोला ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी का तो दूर से देखे तो शैतान को दिख जाना ये नहीं भाई हल्ला कलर का छोड़ो लो कर को वैसा करना कर को इंशाल्लाह तय करी वो सर्वे करा रही वो सर्वे के अंदर इंशाल्लाह कहाँ कहाँ हर जगह पूरा एकदम से एक साथ में कराने होता नहीं हमें क्या करें सर्वे कर को अब शायद यहाँ इसके अंदर सिगोंग के अंदर दो ईद के कंपाउंड को शुरू कर दें काम तीन ईद के कंपाउंड का इंक्रोचमेंट हो लग जाता था हमें कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट होता वहाँ वहाँ करना अगर को तय करिए वो इंशाल्लाह वो करती उसे ये करते हुए तमाम से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए मेहरबानी कर को गलाटा नको कर लियो जो मसले ही वो बोलो तुम्हारे ग्रांडा व्रांडा का तुम्हें बाद में दियो वो इंशाल्लाह देता हूँ अल्लाह के घर का काम का तुम्हारे घर का नहीं वो देना मैं देता हूँ पहले हमारे आदमी आपको जो मसले ही इंक्रोचमेंट का हो कोई खाते नहीं हो कोई म्यूनसिपल्टी के अंदर खाते नहीं हो कोई डिपार्टमेंट का क्या तकलीफ है उन्होंने आपको अर्जा मंज दे ले तो वो इंशाल्लाह एक महीने के अंदर वो जद्दोजहद वो मसला हल करने की हमें तमाम मिलकर कोशिश करते हुए तमाम